और सबसे मेन चीज भाई कि कल हमारा शो आना टीवी पे, जब आप ये देख रहे होंगे तब हमारा शो टीवी पे लाइव हो रहा होगा। 8 बजे शो शुरू होना, 8 बजे मेरी वीडियो आनी है। फाइनली लोहड़ी के बाद अब छत टाप रहा हूँ लिटरली। लोहड़ी वाले दिनों में तो भाई मुझे पता ही नहीं होता मैं किसकी छत पे पतंग उड़ा रहा हूँ। ये कार चेक करो, मुझे एकदम दिखी भाई, एकदम एंटीक सा पीस है ना, पता नहीं ये कुछ चलाता होगा या नहीं चलाता होगा। तो ये चेक करो भाई, बाइक कितना एंडा भैया और हेलमेट सबसे एंडा। साइकिल कहाँ पे गया भाई मेरा? गाइस साइकिल चोरी हो गया, पर इस छत से कैसे चोरी हो सकता है? दोपहर के 2 बज रहे हैं और यार अभी मैं मेरी मम्मा को स्कूल से लेने के लिए जा रहा हूँ। सो बाकी चलो भी करते वीडियो को स्टार्ट, बाकी पूरे एंड तक वीडियो देखना, पूरा मजा आएगा और आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही जाएगा। सो चलो भी करते वीडियो को स्टार्ट, लाइक किया स्टार्टेड, वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाकी बेल आइकन कर लेना ऑन, बाकी पूरे एंड तक वीडियो देखना, पूरा मजा आएगा। सो चलो भी करते वीडियो को स्टार्ट, लाइक किया स्टार्टेड। ओके गाइस अभी राइट नो टाइम हो रहा है तो चलो ये भी कार में बैठ के बातें करते हैं, लेट्स गो। ये खुले ना एक बार में ऐसा हो नहीं सकता। चलो भाई अभी मैं मेरी मम्मा को स्कूल से लेने के लिए जा रहा हूँ और आके मिलते हैं आपको। और अभी राइट नो टाइम हो रहा है गाइस, टाइम कितना हो रहा है गाइस, एक सेकेंड वेट करना है। हाँ किस पे पहले आएगा टाइम, गैस करो। अरे अरे आ गया टाइम, पूरे 2 बज रहे हैं अभी और बाकी अभी मम्मा को लेके आते हैं स्कूल से और आपको आके मिलते हैं। आज देखते हैं भाई कैसा सिस्टम बनता है और बाकी चलो अभी चलते हैं, लेट्स गो। और अभी एकदम से ठंडी ठंडी हवा आने लग गई भाई, ये इतनी ज़्यादा गर्मी में मतलब कि कार इतनी ज़्यादा गर्म होती ना, एकदम से ठंडी ठंडी हवा, मज़ेदार। सो चलो अभी चलते हैं। एक तो यार ये मेरी टी शर्ट बहुत ज़्यादा टाइट होगी, मैं पता नहीं क्यों डाला है यार इसे लिटरली। सो चलो भाई अभी चलते हैं। और ये जहाज की हैंड ब्रेक हमने कर दिए नीचे और गियर डाल दिया रिवर्स। सो चलो अभी आपको आके मिलते हैं वापस, देखते हैं अभी कैसा सिस्टम बनता है, कहाँ पर जाएंगे, कैसे भी करेंगे, सब कुछ आपको वीडियो में दिखाएंगे। ओके गाइस सो चलो अभी चलते हैं। ओके गाइस अभी फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और यार अभी इतनी ज़्यादा नींद आ रही ना लिटरली, अभी मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं, अभी 2:25 हो रहे हैं और 3:30-4 बजे उठेंगे, फिर देखेंगे भाई कोई काम कार करेंगे, वीडियो बनाएंगे। चलो अभी जाके सो जाते हैं। तो ओके गाइस यार मैं ऐसा सोया कि अभी जस्ट जाके मैं उठाऊँ, अभी राइट नो टाइम हो रहा था, शाम के 7 बज रहे हैं लिटरली। यार मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई, पता नहीं चला भाई, अलार्म को नहीं पता चला, कुछ नहीं पता चला। और अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अभी 7-8 बजे तो भाई मुझे साइकिल चलाने जाना ही है, तो साइकिल के भाई सीट नहीं कंफर्टेबल। फिर मुझे एकदम से याद आया मेरे पास 2 साइकिल थे, एक मेरा साइकिल मेरी छत पे खड़ा है, तो मैं उसकी सीट उतार के इस पे लगा देता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल। अभी करते हैं वही चीज़। सो चलो भाई अभी पहले साइकिल की सीट उतारते हैं और इस पर लगा के देखते हैं अगर फिट आती है तो। और यार लिटरली आज तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है इतनी ज़्यादा देर सो के। चलो भाई अभी चलते हैं। फाइनली भाई लोहड़ी के बाद अब मैं छत पे चढ़ रहा हूँ। अरे साइकिल वहाँ पे क्या मेरा है, गायब हो गया साइकिल? क्या साइकिल कहाँ पे गया भाई मेरा? भाई साइकिल चोरी हो गया, पर इस छत से कैसे चोरी हो सकता है? अरे वो खड़ा भाई साथ वालों की जित पे खड़ा। सो चलो उसमें से निकाल लेते हैं भाई। फाइनली लोहड़ी के बाद अब छत टाप रहा हूँ लिटरली। लोहड़ी वाले दिनों में तो भाई मुझे पता ही नहीं होता मैं किसकी छत पे पतंग उड़ा रहा हूँ। काइट फ्लाइंग वाले व्लॉग गाइस ये खड़ा, ये देखो ये था भाई मेरा साइकिल पहले वाला, इसकी सीट निकालनी है ना। ये देखो भाई ये कंफर्टेबल सीट है एकदम। चलो भाई अभी इसकी सीट निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ओके गाइस अभी गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हो कि चलते हैं, साइकिल की सीट तो उतरी नहीं भाई, मैं कहा थोड़े गोलगप्पे खा लेते हैं फिर साइकिल चलाने चलते हैं। चलो भाई तो ओके गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए, सो अभी गोलगप्पे खाते हैं और यार काफ़ी ज़्यादा अभी भूख लगी हुई है, अभी गोलगप्पे खाते हैं भाई। सो अभी अपना हेल्दी गोलगप्पा आ चुका है भाई, पनीर वाला सूखा गोलगप्पा आ चुका है, तो मैंने कहा ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना, हेल्दी खाते हैं। तो ये चेक करो भाई बाइक कितना एंडा भैया और हेलमेट सबसे एंडा।
ओके गाइज, आज मैंने कहा गर्मी को मद्देनजर रखते हुए कि आज साइकिल थोड़ा देरी चलाया जाए, सिर्फ एक गोल चक्कर निकाल के घर पे आ जाए, क्योंकि यार आज गर्मी लिटरली ऐसे पसीना चो रहा है एक एक सेकंड में, बुरी हालत होगी यार लिटरली। चलो भाई अभी साइकिल वाला प्लान करते हैं ड्रॉप, क्योंकि आज गर्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, गर्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी है। फाइनली तो भी मैं जा रहा हूँ इनोवा लेने के लिए, ये हैरियर को वहाँ पर छोड़ेंगे, इनोवा ले आएंगे। तो चलो भाई अभी चलते हैं, लेट्स गो। अरे ऐसे अगर पूरी बीस्ट लगती है ना आगे से, एकदम बीस्ट, बस एक इसकी आवाज ही बहुत ज़्यादा लिस्टर ली। ये तो बंद में भी ऐसी आवाज़ निकालती है भाई। हाँ यार व्लॉग ही नहीं बना पाई, गर्मी इतनी ज़्यादा कि बुरी हालत होगी यार लिस्टर ली। चलो गाइस अभी पहुंच चुके हैं, अभी इनोवा उठाते हैं, अभी आपको सीधा इनोवा में मिलते हैं। चलो भाई ये कार चेक करो, मुझे एकदम दिखी भाई, एकदम एंटीक सा पीस है ना, पता नहीं ये कोई चलाता होगा या नहीं चलाता होगा, नाम नहीं भाई मुझे पता ना ऐसे। हाँ एम्बेसडर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये पुलिस वालों वाली है, पर ये थोड़ी उन्होंने मॉडिफाई करवाई हुई है, मतलब कि जो मंत्री। हाँ चलो ओके गाइस, फेवरेट सॉन्ग एवर, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो वो ये समझो वो यार का सताया हुआ है, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो वो ये समझो वो यार का सताया हुआ है। हिक्का कॉफी वाले भैया आगे जा रहे हैं, और भाई अगर किसी को बढ़िया माउथ फ्रेशनर चाहिए तो ये च्युइंगम भाई खाना, ट्राइडेंट मस्त है, मैं खाता ही अभी आई हूँ, दूसरी मैं खाता ही नहीं। भी इनोवा से सीधा आ चुके हैं डिजायर पे, डिजायर नहीं है यार ये, नहीं सिजा सियाज भी नहीं है पागल, ये इसका कोई और नाम ही है, मुझे नाम नहीं याद है। और जौन सी भी मर्जी गाड़ी लगा लो भाई, ये गाड़ी है। और सबसे मेन चीज, और सबसे मेन चीज भाई कि कल हमारा शो आना टीवी पे, जब आप ये देख रहे होंगे तब हमारा शो टीवी पे लाइव हो रहा होगा, 8 बजे शो शुरू होना, 8 बजे मेरी वीडियो आनी है, 8 पता 9 शो होना भाई, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ये वाला अच्छा गया था भाई शो, जैसे मर्जी लगाओ, बाकी कल सारे देखना हमारा शो भाई, देखेगा ना PTC ना, देखी यार जा। हारने वाले बंदे देखता मैं, जिहड़े हार जाते हैं। चलो भाई अब तो बता ही सकते हैं कि हम हार चुके हैं, हारे कैसे पता, सारे शो पे हम लीड पे थे, एंड वाले, एंड वाला मतलब कि जब एंड वाला टाइम आया हम सिर्फ 10 करोड़ से हारे, 10 करोड़ से, क्योंकि यार एंड वाला राउंड था पंजाब विरसे बारे, मतलब कि पंजाबी कल्चर बारे, और जौन सी हमारी ओपनिंग टीम थी वो थे अमृतसर से, और उनके पास एक ओल्ड एज आंटी भी थे जो कि अमृतसर से ही थे, तो आप खुद ही लगा लो कि पंजाबी कल्चर के बारे उन्हें पता होगा या हमें पता होगा आपको। लास्ट वाले राउंड में ऐसे काया पलटी, ऐसे मतलब कि 10 करोड़ से हारे लिटरली 10 से। इसका मतलब बता, काया पलटी का मतलब क्या होता है? काया पलटी की मतलब, काया कैसे पलटी यार, कैसे समझाऊं तुझे, पर यार मुझे इतना पता है कि काया पलटी मतलब कि किस्मत एकदम पलट गई, इतना लगा लो किस्मत ही होता है इसका मतलब, काया पलट गई। ठीक है, अब ये थोड़ा काया कोई बंदा और पलट गया, काया पलट गई का मतलब है भाई कि एकदम से, मतलब क्या फ्लो में आगे आगे जा रहे हो और एकदम से ऐसे हो गया, ऐसे हम चल रहे हैं सारे शो में, हम लीड पे सारे शो में भाई, मतलब कि सारे शो में लीड पे चलते चलते ऐसे हो गया एकदम से, मतलब कि ये क्या हो गया, जज्बात बदल गए भाई। उस दिन तो सच्चे मुंह से ये निकल रहा था, ये क्या हुआ, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई लिटरली। तो यार उस दिन तो मतलब कि दिमाग खराब हो गया यार, 10 करोड़ से हार गए यार, मतलब यार बहुत ज्यादा उस दिन हो रहा है, हम सिर्फ 10 करोड़ से हारे हैं अभी तक ना, मैं सोच के वो चीज दोबारा से दिमाग में आ रही है कि जैसे हम 10 करोड़ से हारे, मतलब लास्ट वाला राउंड ना 50 नंबर का था, कि जो उनसे लास्ट वाला राउंड था पंजाब वर्सेस वाला, पर क्वेश्चन 50 पॉइंट्स से, और जो पहले वाले थे वो 20-20 पॉइंट्स से, तो पहले वाले हमने सारे के भाई गेम्स भी खेली 50-50 पॉइंट्स वाली, और लास्ट में भाई 5 क्वेश्चन थे, 5ों क्वेश्चन 50 पॉइंट्स के थे, उनमें से 3 आंटी को आते थे और 2 हमको आते थे, ठीक है भाई, और 2 हमको आते थे, वो 2 हमने आंसर दे दिए, हमारे 190 हो गए, लास्ट में उनके थे भाई 150 थे उनके, 150 थे उनके, और लास्ट में आते आते जब लास्ट वाला क्वेश्चन आया तो आंटी ने पहले बजर दबा दिया, तो करके बस यार वो काया एकदम से पलट गई, मतलब कि
अभी तक ऐसे हो रहा है कि हाँ यार गलत हार गए उस दिन तो। उस दिन तो हम पूरी उम्मीद में थे कि हम जीत गए हैं। वो सामने वाली टीम हमें पता कहते वो पहले एक बार ही जीते हुए थे वो शो, वो हमसे पहले उनका एक एपिसोड रिलीज हो चुका है, वो जीते हुए हैं। पर वो हमें पता क्या कहते कहते आज तो हमें लगा था कि आप जीत गए हो और हम हार गए हैं। कहते पर हमारी मम्मी थी हमारे साथ तो करके हमें बचा लिए। तो हम वो कहते कि आज हमारी अगर मम्मी साथ ना होती ना तो हम हार गए थे। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज आंटी थे भाई, 60 साल से ऊपर ही थे भाई वो आंटी, और वो भी अमृतसर के जहाँ से सारा पंजाबी कल्चर जुड़ा हुआ है। चलो अब तो हार गए, अब क्या कर सकते हैं। पर पूरा मज़ा आया था तब शो में जाके ना। अभी कल शो आएगा और परसों मैं वो वाली वीडियो डाल दूंगा जिसमें, या कल ही डाल दूंगा, देखेंगे भाई कैसा बनता है। चलो ये वाली गाड़ी है, ये डिजायर नहीं है, मुझे इतना तो पता भाई, ये मुझे पता है ये डिजायर नहीं है। इसका नाम भी पीछे लिखा होगा आई थिंक सो। आगे देखता हूँ, जैसे भी एक बार लुक देख लो। चलो भाई अभी चलते हैं घर पे, थोड़ी देर साइकिलिंग करते हैं, आधा घंटा गली में कर लेते हैं गोल गोल, आधा घंटा पर चलाना है। लोग आज अभी निकलते हैं, साइकिल उठा लिया अपना, पूरी तैयारी हो चुकी है, अभी साइकिलिंग करके आपको मिलते हैं। साइकिल पूरी गलत हो गई है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सोके गाइस अभी शो चल रहा है जिसमें हमने आना कल, और तुसी किन्ने हो पंजाबी, तुसी किन्ने पंजाबी हो, सॉरी गाइस पीटीसी पंजाबी, तुसी किन्ने पंजाबी हो, क्या बात है। और ये वो वाला राउंड आ चुका है जिस राउंड से हमारी काया पलटी, जिस राउंड की वजह से हम हारे थे। हर सवाल दे सही जवाब से तुहानू मिल गए 50 नंबर। पहला सवाल, पंजाबी किस्सियां विच खीर दिया किन्नियां सहेलियां हन? 5 गलत जवाब, तुहानू पता जी 2 पर ही खीर दी कोई सहेली नहीं है। खीर दी कोई सहेली नहीं, ਹੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀਰ ਦੀਆਂ 360 ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ। ਤਾੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ 240 ਬਜ਼ਰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਜ਼ਰ ਦਬਾਓ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, 50 ਨੰਬਰ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 500,000 ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਨੇੜੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਓ ਬਜ਼ਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਪੁੜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ? ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। कल अपना शो आएगा, सो सारे जरूर देखना। अगर आप नहीं देख पाए वीडियो देखने में, मेरी वीडियो देखने में लेट हो गया और शो भी नहीं देख पाए, सो यार सारे जरूर देखना यूट्यूब पे जाके, उनके OTT जो भी होएगा भाई उनका प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। वैसे अगर मैं कल बता दूंगा कि कहाँ पे दोबारा से रिलीज होएगा, या फिर अगर आप ये वीडियो 10 बजे से पहले देख रहे हो तो 10 बजे एक बार ही आता है, तो 10 बजे आप देख लेना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी आप फॉलो करो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लाइक करना, बाय बाय।